हेलो फूडीज, वेलकम टू शुभ रसोई। आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न, बच्चों की पहली पसंद पॉपकॉर्न, और वो भी 3 फ्लेवर में बनाएंगे। बहुत ही इजी है। इसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हो। नॉन स्टिक कढ़ाई लिए मैंने, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और मक्की के दाने डाले। मक्की के दाने मैंने जो नॉर्मल होते हैं वही लिए, क्योंकि मक्की के दाने में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो आपको जो इजी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। और इसमें ऑयल कितना डालना है, इसमें ऑयल उतना डालना है कि जिससे हमारे जो मक्की के दाने हैं वो कवर हो जाए, भी उस पर पूरा ऑयल लग जाए। तो इसको तब तक हम हिलाते रहेंगे जब तक इसका फूटने शुरू नहीं हो जाते, पॉप बनने शुरू नहीं। देखो अभी पॉप हो गए जो हमारे कॉर्न है, तो अभी हम इसको ढक देंगे और इसको ऐसे बाहर से ही इसको मज़े से देखेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पॉप होते। और ये अगर आपने नमकीन डालना है तो इस टाइम पे आपने नमकीन डाल सकते हो, नमक, हल्दी, जो सिंपल वाले। तो हम यहाँ पे चॉकलेट वाले बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर ली है। तो आप अपने हिसाब से हो जाएगा, इसका कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है कि कितने में कितना डालना है, आपने जितने खाने उस हिसाब से कि कोटिंग हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें चॉकलेट ऐड कर ली है और इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। देखने में ऐसे लगता है कि हमने बड़े थोड़ी चॉकलेट, जो है सिंपल चॉकलेट मैंने यहाँ पे मेल्ट करके डाली है, और कोई भी नहीं है। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हो, कोई भी जो मार्केट के होते हैं छोटे होते हैं, कुछ कोई भी चलेगी, सारी चलेगी चॉकलेट। तो देखने में लग रही थी कि थोड़ी सी है, तो पर देखिए सारे अच्छे से कवर हो गए, इसकी कोटिंग हो गई है, तो इसलिए हमें लगता ही होता है। आप थोड़ी डालना हो, इससे पूरा हो जाएगा कवर। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल के तो वो ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए अभी हमारे ठंडे हो गए और कितने कुरकुरे हो गए, क्योंकि पूरी कोटिंग है जो वो जम गई है, चॉकलेट ऊपर पूरी कोट हो गई है। तो ये हमारे रेडी है खाने के लिए चॉकलेट पॉपकॉर्न। और इसका ये है कि जैसे हम बाहर नहीं जा सकते आजकल, तो अभी आप इसे खाइए, इंजॉय करिए। हम ही अभी बाहर जा नहीं सकते, इतना बाहर नहीं जा सकते जितना हम पहले जाते थे, एंजॉय करते थे पॉपकॉर्न। तो अब हम कुछ स्पेशल घर पे ही बनाते हैं। तो आइए हम बनाते हैं चीज़ पॉपकॉर्न। इसके लिए हमने सिंपल चीज़, जो पिज़्ज़ा चीज़ होता है, उसको मैंने ग्राइंड करके और कॉर्नफ्लो पाउडर डाल के उसको 2 दिन के लिए पंखे के नीचे सुखा लिया है। अभी इसमें नमक, चाट मसाला, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, हल्दी और देगी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल लेना, क्योंकि आप जितना खाते हो आप उतना डाल लेना। और इसको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा पाउडर रेडी हो गया, चीज़ पाउडर। तो अभी हम सेम प्रोसेस करेंगे इसका भी, ऑयल ले लेंगे और थोड़ा सा बटर ले लेंगे और इसको जो मक्की के दाने हैं वो डाल लेंगे। सेम प्रोसीजर है कि उतना ही हमने लेना है जिससे हमारे कवर हो जाए। तो हम तब तक भूनेंगे जब तक ये पॉप होना स्टार्ट हो जाए। तो ये अभी स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको हम कवर कर देंगे, तो फिर अपने आप बन जाएंगे सारे। देखिए चीज़ जो हमने चीज़ पाउडर बनाया बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप नीचे बटर पेपर के ऊपर रख लेना चीज़, ताकि जो नीचे ऑयल छोड़ता है वो फिर उसमें कवर हो जाएगा, प्लेट में नहीं लगेगा, तो अच्छे से सूख जाएगा। इसको बाहर पंखे में ही सुखा लेना आप। देखिए अभी पॉपकॉर्न रेडी हो गया, तो जो हमारा मसाला था वो हमने ऊपर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। आप इसमें मसाले अगर स्ट्रॉन्ग खाना चाहते हो, ज़्यादा लाल मिर्च भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही डाला है। देखिए इस तरीके से हमारे हो गए। जब हम इसको थोड़ा सा रखेंगे 2 मिनट के लिए, इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। देखिए तो अभी हमारी रेडी है खाने के लिए। अभी हम इसको भी बाउल में निकाल देंगे। देखिए तो अभी हम बनाएंगे कैरेमल वाले। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे हम सिंपल कैरेमल बनाते हैं। ये भी है कि आप पहले पॉपकॉर्न भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले कैरेमल बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारी रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी और थोड़ा सा दूध डालूँगी ताकि अच्छे से बन जाए। इसमें भी कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है हमने इतनी चीनी डालनी है, आप अपने हिसाब से जितने आप पॉपकॉर्न बना रहे हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तो अभी हम कढ़ाई ले लेंगे। देखिए इसमें भी हमने बटर डाल दिया है, ऑयल डाल दिया,
तो हम सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो आपने कोई भी फ्लेवर बनाना है, जैसे आपने कोई सिंपल बनाना है तो आप नमक और हल्दी डाल लो। अगर आप पेरी पेरी वाला फ्लेवर बनाना चाहते हो तो आप पेरी पेरी फ्लेवर इसमें डाल सकते हो। ये बेसिक है, आपने जो भी इसमें डालना है वो आप इसमें, हाँ मसाले आप पहले मत डालना, आप बाद में मसाले डालना, नहीं तो पहले वो मसाले क्या होंगे, जल जाएंगे तो वो फिर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो बाद में डालेंगे तो ऊपर मसाले वो खिले खिले आएंगे। देखिए देखिए आपने कितना इजी है हमें पॉपकॉर्न घर पे ही बनाना। तो घर में पार्टी बच्चों की करनी है, ये इतने इजी है कि बच्चे भी बना सकते हैं इसे। देखिए तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली पे कुछ बच्चों की पार्टी, हल्का फुल्का स्नैक्स हम घर पे ही बना लें, ताकि हमें बाहर जाने की जो क्रेविंग होती है वो ना रहेगी। देखिए अभी हमने कैरेमल ऊपर हम डाल देंगे, देखने में देखिए ये भी बिल्कुल कम लग रही है, और जब हम इसको मिक्स करेंगे सारी कोटिंग हो जाएगी इसकी प्रॉपर। और अगर आप बाद में कैरेमल लाई बना रहे हो तो आप उसी पैन में इसको पॉपकॉर्न्स को डाल सकते हो। तो अभी हम 2 स्पून से स्पैचुला दूध एक और ले लेंगे और उसे अच्छे से हम इसको कोटिंग कर लेंगे और हिलाएंगे प्रॉपर तरीके से। अगर हमने छोड़ दिया तो ये यहीं पे उसको जम जाएगा, क्योंकि शुगर है इसमें। देखिए इस तरीके अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो फिर ज़्यादा कोटिंग हो जाएगी, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा है हमारी पॉपकॉर्न बहुत है, पर जब हम करेंगे तब अच्छे से हो जाएगा। अभी देखो कितना क्रंची सा हो गया, मैंने मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, ठंडा हो गया। तो ठंडा होके देखिए इस तरीके से आप इसको अलग अलग कर लेना। देखिए अभी हमारे रेडी है खाने के लिए पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न। तो देखा कितना इजी है बनाना, और इसे हर कोई बना सकता, बच्चा भी बना सकता है। और फ्लेवर है जो वो पूरा हमारा मार्केट वाला फ्लेवर आएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा हम घर पे बना के खा रहे हैं कि हमने मार्केट से लिए है। देखिए कितनी अच्छी इसमें कोटिंग आई है, कलर कितना अच्छा आया इसका। देखिए अभी आप घर पे बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपको कैसे लगी रेसिपी। और आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंजॉय।